खरगोन में नगर निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस का सियासी संग्राम सरगर्मा रहा है और केंद्र और राज्य में भाजपा साम्राज्य स्थापित होने के बाद कांग्रेस की नजर नगर निकाय के चुनाव पर टिकी है। नगर निकाय चुनाव के आगामी दिनों में मंगलवार को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय सचिव कुलदीप इंडोला खरगोन पहुंचे और गोरीदाम परिसर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं से मुलाकात करके चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की। इस दौरान राष्ट्रीय सचिव ने बताया कि पुख्ता मैनेजमेंट के साथ नगर निकाय चुनाव में कांग्रेस अपना परचम लहराएगी और विश्वास की कसौटी पर खरा उतरेगी। खरगोन से जिला संवाददाता जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। नगरीय निकाय चुनाव होने वाले हैं और इसके लिए पर्यवेक्षक के रूप में आप यहाँ आए भी हैं और संगठन को मजबूत करने और दावेदार भी यहाँ पर काफ़ी संख्या में आज पहुँचे हैं। अब किस तरह से कांग्रेस रणनीति बनाएगी? देखिए, नगर निकाय चुनाव को लेकर आज जिला कांग्रेस कमेटी की आज बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें आज हमारे राष्ट्रीय नेता मोतीलाल बोहरा जी के देहांत के कारण आज हमने शोक संवेदना व्यक्त की है, उनको पुष्पांजलि अर्पित की है और जो सभा होनी थी वो हमने स्थगित करके व्यक्तिगत सभी लोगों से चर्चा करने का तय किया, जिसमें जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी सोलंकी साहब, हमारे सीनियर नेता और पूर्व मंत्री विजयलक्ष्मी जी, विधायक रवि जोशी जी, सभी लोगों, सभी ब्लॉकों से हमारे ब्लॉक अध्यक्ष, मंडलम अध्यक्ष, पदाधिकारी और हमारे पीसीसी और अन्य पदाधिकारी यहाँ पधारे हैं। सभी से चर्चा हुई है कि इस चुनाव में हम किस प्रकार से हमारे सभापति बना सकते हैं, किस प्रकार से हमारे यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा पार्षद जी सकते हैं। क्या रहेगी चुनाव में रणनीति? देखिए, इसमें हमने जो जिला कांग्रेस कमेटी पूरी तैयारी के साथ लगी हुई है और हमारे नेता सभी लगे हुए हैं, जिन्होंने वार्ड वाइज कमेटियाँ गठित कर दी हैं या जो वार्ड में सर्वे करके वहाँ के लोगों से बातचीत करके ये तय करेंगे कि वहाँ से कौन जीत सकता है। हम वही उम्मीदवार तय करेंगे जो वहाँ के सर्वे में आएगा और वहाँ के लोगों की इच्छा होगी कि इस उम्मीदवार को टिकट दिया जाए तो हम जिता कर भेज देंगे। क्योंकि एक लंबा अरसा यहाँ खरगोन में भी हो चुका है कि यहाँ 15 साल से यहाँ भारतीय जनता पार्टी यहाँ जीतती आ रही है। इस बार सभी हमारे नेता एकजुटता के साथ लगकर यहाँ हमारा सभापति भी बनाएंगे और पार्षद भी जिताएंगे, मेरा ये मानना है। पहले सर्वे के आधार पे चयन किया जाएगा उम्मीदवार का? बिल्कुल, यही तय किया जाएगा। इसमें ना मेरी कोई सिफारिश होगी, ना हमारे ऊपर जो नेता बैठे हैं, चाहे कमलनाथ जी हैं, मुकुल जी हैं, हम सब लोगों ने ये तय किया है कि जो फील्ड से जो रिपोर्ट आएगी, जो सर्वे में जिसका नाम आएगा उसको टिकट दिया जाए। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 News। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।